नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो है डेडिकेटेड है DSSB की जो परीक्षाएं हो रही हैं या जो वैकेंसीज आई हैं उसके ऊपर। मैं कोशिश कर रहा था कि जब तक ये बोर्ड ठीक ना हो तब तक मैं फुल ऑन क्लास तो ले नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं डिले कर रहा था DSSB को लेकर। लेकिन एक GS के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज बच्चों की आ रही है कि जो उसका पेपर वन है, अगर आप लोग DSSB के पैटर्न से आप लोग वाकिफ़ होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पेपर इसका जो एग्ज़ाम होता है मेनली 200 और 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स की PGT की परीक्षा होती है और 200 मार्क्स की TGTs की परीक्षा होती है। तो जो इसमें पहला पेपर होता है 100 मार्क्स का, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हो, चाहे वो ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए हो, चाहे प्राइमरी टीचर्स के लिए हो, जो पेपर वन होता है वो ऑलमोस्ट सेम आता है, जिसमें कि 5 भाग होते हैं 20-20 मार्क्स के। 20 मार्क्स का हिंदी, 20 मार्क्स का इंग्लिश, 20 मार्क्स का मैथ रीजनिंग, 20 मार्क्स का और 20 मार्क्स का GS। तो और इसमें मतलब कि जो ट्रेंड ग्रेजुएट हैं या PRT हैं उसमें 40% का क्राइटेरिया होता है क्वालिफाई करना, जनरल हैं अगर आप, तो या अदर कैटेगरीज हैं तो 30% का। तो पेपर वन में क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, कुछ जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ के। खैर, इसमें जैसे कि हम लोग GS को देखते हैं तो पेपर वन के ऊपर लेके कई बार थोड़ा लोगों का फोकस रहता है। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, DSSB में सिलेक्शन जो आपका है वो सब्जेक्ट कराता है मेनली, है ना, लेकिन पेपर वन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है लोगों का, टीचिंग के सब्जेक्ट में खास तौर से होता है कि लोगों का सब्जेक्ट अच्छा होता है लेकिन जनरल सब्जेक्ट में वो पिछड़ जाते हैं। और जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है कई सारे, वो कई बार पेपर वन में खूब नंबर ले आता है और सेकेंड पेपर में अगर क्वालिफाई कर गया तो निकाल लेता है, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं। तो आप लोग को GS अगर देखना है तो GS को अगर हम देखेंगे तो पिछले 2-3 वर्षों से अभी ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, और जो पहले DSSB परीक्षा लेता था वो चीज़ें बिल्कुल इससे बदल चुकी हैं। तो अभी आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर सबसे पहले देखने होंगे GS के लिए, अगर अभी जून में जो परीक्षा आप लोग देने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर वो परीक्षा होती है तो मुझे आइडिया नहीं है कि होगा कभी इस समय कि नहीं होगा, क्या पता टले ना टले, तो सबसे पहले जो भी ऑनलाइन परीक्षाएं आपकी हुई हैं सिर्फ उसके क्वेश्चंस को देखिए, उसके क्वेश्चंस के नेचर को देखिए इतने शॉर्ट पीरियड में, GS के लिए बोल रहा हूँ 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वेग पेपर देते हैं वो लोग, कुछ भी मतलब पैटर्न क्लियर समझ में नहीं आता किस तरह से, बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस को देते हैं। करंट अफेयर्स में क्वालिटी बहुत उनकी शानदार नहीं है, करंट अफेयर्स वो एक एक साल पुराने तक के पूछ लेते हैं, तो करंट अफेयर में ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिएगा। जैसे अभी जो वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं जिसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, एक दो दिन के बाद, है ना, जब चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी मेरे लिए, तो वो परीक्षाएं तो जनवरी में होंगी। जो पोस्ट ग्रेजुएट वाली परीक्षा होने वाली है अभी जून में या जब भी होगी, तो उसके लिए 6 महीने तक का करंट हल्का फुल्का देख लीजिएगा, मोटा मोटा करंट, बिकॉज GS के 20 मार्क्स में 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, उसमें से एक दो आपको जरूर आते होंगे, और एक दो के लिए बहुत पैनिक नहीं होना है आपको, सब्जेक्ट उसमें पकड़ बनाना है स्टैटिक पोर्शन। इसके लिए आपको खींचना होगा साइंस, ज्योग्राफी और इसमें पॉलिटी, इन 3 सब्जेक्टों को खींच के लीजिए, बिकॉज यहाँ से काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन सही कर जाएंगे। हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न और एंशियंट का कुछ पोर्शन पढ़िए, जैसे मैंने कल ही बताया था कि उस मौर्यास पीरियड जो मगध है उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हमारे जो धर्म है उनको पढ़ लीजिए, साउथ वाला अगर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट लिटरेचर पढ़ लीजिए सिंपल, मेडिवल अगर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से खींच के और पॉलिटी को लेके आगे बढ़िए। समय मिले तो एनवायरमेंट आपका हो जाएगा, अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं ना तो एनवायरमेंट साथ में उसका निकल जाएगा, एनवायरमेंट बेसिक तरीके से आप करेंगे तो काम चल जाएगा। मुद्दा है किताबों का, किताबें कौन कौन सी जरूरी रहेंगी हमें सब देखना है। 20 मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी एन नंबर ऑफ बुक्स नहीं पढ़ने के लिए बोलूँगा, बिकॉज GS इज नोबडीज बेबी। GS चाहे 20 मार्क्स के चाहे 100 मार्क्स के, आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए, लेकिन कम समय में घटना चक्र को मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों को बोलने के लिए कि SSC वाली ये घटना चक्र आती है वो उसको ले लीजिएगा, मेरे हिसाब से अच्छी है। अगर आपके पास पूर्वावलोकन पढ़िए घटना चक्र की, तो चलिए मैं बार बार घटना चक्र क्यों बोलता हूँ, ये कुछ ऐसी अकम्प्लिश बुक हैं जो हर परीक्षा में काम आएंगी, हर परीक्षा के लिए अलग अलग बुक रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता मैं। इसमें साइंस के लिए घटना चक्र वाली साइंस अगर है ऑब्जेक्टिव पूर्वावलोकन, तो उससे बाहर PCS भी नहीं आता है, तो DSSB की तो बात ही छोड़ो, तो वो सफिशिएंट रहेगी। वो नहीं है तो लूसेंट वाली ऑब्जेक्टिव साइंस जो आती है वो भी ले सकते हो आप लोग, लेकिन हाँ उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है और इसमें एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा। बाकी जो मैथमेटिक्स के या रीजनिंग के हैं, कोई भी मार्केट की स्टैंडर्ड बुक लो, करो इस समय में, अगर उसको पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकते तो सिर्फ उनके एग्जाम्पल करो, दैट्स इट।
ठीक, प्रीवियस ईयर जो है ऑनलाइन वाले वो जरूर 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 कर लीजिएगा, बिकॉज हमने देखे हैं मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट भी होते हुए, इंग्लिश में इवन पैराग्राफ भी वो लोग रिपीट कर देते हैं, तो इंग्लिश के वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। इंग्लिश में प्योर ग्रामर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 20 में से करीब 10 से 12 नंबर तक का प्योर ग्रामर आ जाता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन और थोड़ा सा एंटीनोम सिनोनिम्स आ जाते हैं, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर पकड़िए, प्रीवियस ईयर जो ऐप है उस पर भी मिल जाएगा आप लोगों को, और अब तो फिजिकली खैर अवेलेबल है ही, मिल जाएगा जगह जगह आप लोगों को, उसको अरेंज करिए। और अभी अगर अरेंज नहीं हो रहा है तो 2-4 दिन में मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज अभी तो सारा सिस्टम मेरा गड़बड़ है, तो जल्दी वो अवेलेबल हो जाएंगे। और तब तक जो बताया हुआ उन पुस्तकों को पढ़िए। हिंदी के लिए वैसे हरदेव बाहरी बहुत शानदार किताब है, वो पढ़ने का मौका नहीं तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, सामान्य व्याकरण की सफिशियंट है, बहुत बढ़िया, इलाहाबाद से निकलती है। ठीक, रीजनिंग मैथमेटिक्स की कोई बुक ले लीजिए, आरएस अग्रवाल, कोई भी जो आप पढ़ रहे हैं नया मत लीजिए, जो पढ़ रहे हैं वही ले लीजिए, रीजनिंग पढ़ने की नीड नहीं होती, वो हो जाती है। अब बात आती है किस चीज़ की, हो गया है ना, पेपर वन का पोर्शन हो गया, पेपर टू जो अलग अलग सब्जेक्ट के मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो इस पे फोकस कीजिए, कोई समस्या हो तो कमेंट में बताइएगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।